हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई में स्थित मुकेश मिल्स के बारे में। कहा जाता है कि इस रहस्यमय स्थान पर भूतों का बसेरा है। अक्सर यहां पर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, जिसके चलते इस स्थान के आसपास भी कोई नहीं भटकता है। ये मिल करीब 158 साल पुरानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर सारी प्रेत आत्माएं रहती हैं। इसी वजह से मुकेश मिल्स का नाम भारत की डरावनी जगहों में शुमार है। आपको बता दें कि ये जगह हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर है। यहां पर कई तरह की भूतिया फिल्मों की शूटिंग की जाती है। इसके बावजूद इस जगह को लेकर इतना खौफ है कि कई फिल्म कलाकार यहां पर आने से डरते हैं। उन्हें इस बात का भय रहता है कि कहीं भूत उनको कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि मुंबई की सबसे डरावनी जगह मुकेश मिल्स के बारे में। दोस्तों, 2015 में बनी फिल्म बदलापुर की कुछ शूटिंग मुकेश मिल्स में हुई थी। शूटिंग के दौरान और एक्ट्रेस यामी गौतम साथ साथ रहते थे, क्योंकि उनको किसी आत्मा का एहसास होता था। कुछ दिनों बाद फिल्म की शूटिंग में से एक लड़की अजीबोगरीब हरकतें करने लगी और उसके व्यवहार में मर्दाना स्वभाव दिखने लगा। उसकी आवाज़ पुरुषों जैसी हो गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाग जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है, यह जगह हमारी है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ और कुछ दिनों के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। बॉलीवुड के अन्य अभिनेताओं के साथ भी भूतिया घटनाएं घटित हो चुकी है। ऐसा ही किस्सा एक्ट्रेस बिपाशा बसु और एक्टर इमरान हाशमी के साथ भी हो चुका है। आज बॉलीवुड का कोई भी एक्टर मुकेश मिल्स में शूटिंग करने से डरता है। दोस्तों, भूत प्रेतों की घटनाओं के चलते मुकेश मिल्स को फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बंद कर दिया गया है। आज मुकेश मिल्स खंडहर है। मुकेश मिल्स को देखकर मन में अनचाहा डर बैठने लगता है और दिल मुकेश मिल्स से दूर चले जाने को कहता है। मुकेश मिल्स टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया गया है। तब से अब तक मुकेश मिल खंडहर बनी हुई है। साल 1984 के बाद से इस जगह को हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए किराए पर दिया जा रहा है। ये डरावनी जगह मुंबई के NA सावंत मार्ग पर स्थित है। इसके आसपास का माहौल काफ़ी शांत रहता है, इस वजह से इस मिल के आसपास किसी को भटकना पसंद नहीं है। मुकेश मिल्स में शूटिंग कर चुके युवा निर्देशक रेसिंग डिसिल्वा का कहना है कि इस मिल के भीतर एक चिमनी स्थित है। वहां पर एक पीपल का पेड़ है, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस पर भूत प्रेतों का निवास है। मुकेश मिल्स को लेकर ऐसे कई दावे किए गए हैं, इनमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, भले ही आज मुकेश मिल्स शूटिंग न हो रहा हो, लेकिन खंडहरों में बदल गया हो, लेकिन यह वाकई में एक भूतिया प्लेस हो गया है और बहुत ही डरावना स्थान हो गया है। कहते हैं कि यहाँ आत्माएं भटकती रहती हैं और मुकेश मिल्स चूँकि 1960 के दशक में यह कभी जो है कपड़े की फैक्ट्री हुआ करता था और इस कपड़े की फैक्ट्री में मजदूर काम करते थे। कहा जाता है कि इसमें दो बार आग लगी थी, जिसके वजह से कपड़े के मालिक ने उसे छोड़ दिया और धीरे 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 बॉलीवुड ने इंटरेस्ट दिखाई और फिल्म सिटी के लिए इसको न्योता दिया, जिसके वजह से किराए पर यह फिल्म सिटी के लिए चलाया जाता था। बाद में यह भी सरकार द्वारा बैन कर दिया गया। दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।